हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीताज किचन। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, पोटैटो गार्लिक स्लाइस ये बना रही हूँ मैं, वो बहुत जल्दी बन जाते हैं इंस्टेंट और ज़्यादा समय भी नहीं लगता। अगर आपको इस तरह की रेसिपी खानी है, कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, तो 5 मिनट में ये पोटैटो गार्लिक स्लाइस बना के खाइए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर मैंने पैन गर्म होने के लिए रखा है और ये मैं पैन में ऑयल डाल दूँगी इतना, आप कम भी कर सकते हैं। और ये मैंने स्लाइस, आप देख सकते हैं, एक आलू को मैंने लिया। आप जितना कितने लोगों के लिए बना रहे हैं आप उस हिसाब से पोटैटो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने एक आलू लिया और एक आलू के मैंने इक्वली साइज में ये काटा हुआ, कहीं मोटा कहीं पतला नहीं होना चाहिए। ये आप देख लीजिए, एक मतलब एक साइज में काटने हैं ये सारे स्लाइस आपको। चाकू से ये मैंने काट लिए हैं, तो चाकू से ये काटने के बाद मैंने इनको 2 बार पानी में वॉश किया अच्छे से, ताकि इसका जो पानी, गंदा पानी है, वो निकल जाए। और ये अच्छे से निकाल के मैंने इसको टिश्यू पेपर पर रख दिया था, ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। ये देखिए, बिल्कुल ही पानी नहीं है इनमें, और आपने भी इसी तरीके से पानी नहीं रहने देना है इसमें। इस तरीके से आपने स्लाइस करके 2 बार वॉश करके, ताकि उसका स्टार्च निकल जाए सारा पोटैटो का। और वॉश करने के बाद किसी एक टॉवल पर रख लीजिए, किचन टॉवल पर या किसी टिश्यू पेपर पर इसका पानी सारा निकाल लेना है। और अब ये हमारा पानी, सॉरी, अब ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है यहाँ पर। इसको हमें अच्छे से गरम करना है मीडियम। अब जैसे ये मीडियम हीट पे ही गरम हो जाएगा, और इसका हमने गैस का फ्लेम स्लो रखना है। जब हम ये पोटैटो डालेंगे तो गैस का फ्लेम स्लो रखना है, और हमें इक्वली साइज में इस तरीके से एक जैसे इसको लगा देना है, इस तरीके से। इक्वली साइज में आप काटेंगे तो इक्वली साइज में ही वो पकेंगे, और अगर आप मोटे पतले कर देंगे तो फिर क्या होगा ना, मोटे पतले में तो अच्छे से पक नहीं पाएंगे। तो मैं ये 5 स्लाइस ही डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि पोटैटो बड़ा था ये, इसके स्लाइस बहुत अच्छे कटे हुए हैं। अब इसका गैस का फ्लेम जो है थोड़ा सा स्लो करेंगे, और इसको गोल्डन, ये गोल्डन कलर के हो जाएंगे जब हम इनको दूसरी तरफ पलट देंगे। तब तक हम इसको गार्लिक फ्लेवर देने के लिए, आप चाहें तो बारीक कट कट करके, जब सेकंड टाइम मैं इसका मेथड बताऊंगी उस समय इस्तेमाल करना, कहाँ पे करना है वो मैं बता दूंगी। और अगर इस समय करना, तो इसमें गार्लिक की फ्लेवर देने के लिए मैं ये हाथ से थोड़ा सा ये पुश कर रही हूँ, ताकि ये फ्लैट हो जाए। बहुत ज़्यादा हमें बारीक नहीं करना, आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इस तरीके से फ्लैट करके डाल सकते हैं, इस तरीके से। ये देखिए, इससे डाल देना है, ताकि इसका थोड़ा सा वो गार्लिक की फ्लेवर है वो आ जाए, इस तरीके से। इस तरीके से डाल देना, ये जब आप इस तरीके से डालेंगे और इसको जब निकालेंगे, तो आप सेकंड किसी और रेसिपी में इस्तेमाल कर लीजिएगा अपनी किसी सब्जी वगैरह में, तो ये अच्छे से इस्तेमाल हो जाएगा। ये देखिए, इससे क्या होगा ना, ये अच्छा सा गार्लिक फ्लेवर आ जाएगा इसके। और पोटैटो ऊपर डालिएगा, ऑयल में मत डालिएगा, ऑयल में डालेंगे तो क्या होगा, वो बर्न हो जाएगा जल्दी से, पोटैटो पक नहीं पाएगा। तो इस तरह से, वैसे जब पलटेंगे तो ऑलरेडी वो चला ही जाएगा ऑयल में। इस तरीके से इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको पलट देंगे दूसरी तरफ, और ये गार्लिक अब इस तेज पे पलट जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, क्योंकि इसका जो फ्लेवर आना था वो आ चुका है ऑयल में अच्छे से, इनको सभी पलट देते हैं। तो ये दोनों तरफ से गोल्डन हो चुके हैं, मैं निकालूंगी इनको। और आप देख सकते हैं कि मैंने गार्लिक जो है निकाल निकाल के स्टिक से इसके ऊपर रख दिया, आप चाहे स्पून से भी निकाल सकते हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे, सारे निकाल लेते हैं इसको एक प्लेट पे, आप टिश्यू पेपर पे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने अभी थोड़ा सा मैरिनेशन करना है इनमें दोबारा से, तो मैं इसलिए प्लेट में ही निकाल लेती हूँ। तो ये वाले मैंने निकाल लिए, और मैंने दूसरा बैच भी इसी तरीके से डाल दिया है इसमें फ्राई होने के लिए। ये भी हो गया एक तरफ से गोल्डन ब्राउन, इसको हम पलट देंगे इस तरीके से, सारे पलट देंगे, और इनको भी इसी तरीके से फ्राई करके हम निकाल लेते हैं। ये वाले भी हो चुके हैं, इनको भी हम निकाल लेते हैं, और इसका पैन का ऑयल जो है वो सारा निकाल देंगे एक कटोरी में। तो ये सब हमने निकाल लिए, पैन में से मैंने ऑयल सारा निकाल दिया है,
और इस तरीके से अब ये स्लाइस लगा लेने हैं हमें, जिस तरीके से हमने फ्राइंग के लिए लगाए थे। तो ये मैंने इस तरीके से स्लाइस लगा लिए। अब हम इस पर कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं लाल मिर्ची यहाँ पे ऐड कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा। आप ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, कुटी हुई काली मिर्ची वो यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे आप चाट मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं। सच में ये गार्लिक पोटैटो स्लाइस बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और यहाँ पे एक मैं ऐसी चीज़ डालूंगी जिससे इसका फ्लेवर इतना अच्छा हो जाएगा कि आप हर बार ही इसको बना के खाएंगे। ये मैं काला नमक इस्तेमाल कर रही हूँ, आप सफ़ेद वाला नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ हल्का ही लगाना है, एक साइड ही ये मसाले ऐड करने हैं हमें। और अब हम इस पर थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे, इससे क्या है ना इनका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा, खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। आप कभी भी बना के खा सकते हैं, बस 5 मिनट की रेसिपी है ही। और इस पर अब मैं एक ऐसी चीज़ डाल रही हूँ जिससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा हो जाएगा। ये मैं ऑर्गेनो हर्ब्स डाल रही हूँ इसके ऊपर, इससे बहुत अच्छा आपको हल्का सा पिज़्ज़ा का फ्लेवर आएगा। और आप अगर चाहें इसमें, मैं चीज़ नहीं यूज़ कर रही हूँ, आप जो स्लाइस हैं इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी चीज़ भी लगा सकते हैं, बट चीज़ लगा के आप इनको पलट नहीं सकते, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये थोड़ा सा, और अब हम इनको थोड़ा सा पलट देंगे। आप चाहें तो ऐसे ही ये खा सकते हैं, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं खाने में। और आप पलट भी सकते हैं इसको ताकि थोड़े से और ये क्रिस्पी हो जाए, वैसे बहुत क्रिस्पी ये हो चुके हैं। और ये गार्लिक निकाला था, आप इसको चाहे तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं इसके साथ, या फिर आप अलग से किसी सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? आप इसको बगैर सॉस के इसी तरीके से खा सकते हैं, किसी सॉस की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी ये कैसी लगी? अगर मेरी रेसिपी ये यूज़फुल लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप नवरात्रि स्पेशल के वीडियो डालूंगी और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस होंगे ताकि आपको अच्छी अच्छी रेसिपी खाने को मिले और देखने को मिले और खाने को भी मिले। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। और ये रेसिपी आप बनाएं और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।